हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस सॉफ्ट ग्लैम लुक का डिटेल्ड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बताऊंगी, यूज करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक परफेक्ट फ्लॉलेस मेकअप करने का एक सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपने अपने फेस को सबसे पहले किसी भी वाइप्स के साथ या मेकअप रिमूवर के साथ बहुत अच्छे से नीट करना है, ताकि अगर आपके फेस पे कोई हल्का फुल्का मेकअप या कोई मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया तो वो उतर जाए। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि अगर आपकी आईब्रोज बड़ी हुई है या फिर अपर लिप्स आई हुई है या फिर चिन पर बाल हैं, तो आपने उन बालों को रिमूव करना है। बेशक वैक्स कर लें, बेशक थ्रेडिंग कर लें, क्योंकि ये बाल जो है ना, ये आफ्टर मेकअप बहुत बुरे लगते हैं। आपके आईब्रो की शेप भी इतनी अच्छी प्रॉपरली नहीं बन पाती। अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारी स्किन बहुत अच्छे से नीट हो चुकी है। अभी जी यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ जेनफर्म ब्रांड का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है कि जब आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो ना, तो स्किन पे से बहुत ज्यादा ऑयल या सीबम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि मेकअप आपका जल्दी खराब हो जाता है। मेरी स्किन का भी सेम यही इशू है। तो ये जो जेनफर्म का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है ना, ये बहुत बेस्ट है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट भी कर देता है, मॉइस्चराइज भी कर देता है, लेकिन आपकी स्किन से ऑयल और सीबम जो है ना, वो कंट्रोल रहता है, क्योंकि ये ऑयल फ्री है। तो ऑयली स्किन वाले भी इसको इजीली यूज कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑयली स्किन वालों के ऊपर मॉइस्चराइजर बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ता है, कि कहीं जो है ना मजीद ऑयली स्किन ना हो जाए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मॉइस्चराइजर बहुत बेस्ट है। अब आ रही आती है जी कलर करेक्शन की। तो यहाँ पर मेरे पास क्रिस्टीन का कलर करेक्टर है ऑरेंज कलर में। ये स्टिक फॉर्म में है। स्क्रीन पर मैंने एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, जहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप इसको मंगवा सकते हो। ऐसा करेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके फेस पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल छाइयां हो गई, या फिर डार्क सर्कल्स हो गए, या फिर लिप के अराउंड एरिया डार्क होता है, कुछ लोगों का फोरहेड डार्क होता है। तो इन डार्क पार्ट्स को हाइड करने के लिए, इवन करने के लिए आपको करेक्टर लाजमी यूज करना होता है। अच्छा, करेक्टर अच्छे से अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है, प्राइमर का कंटेनर था ये। इसके अंदर मैंने जो है ना, जैसे आप लोग फाउंडेशन वगैरह यूज करते हो, लास्ट पे थोड़ी थोड़ी बच जाती है जिनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं फिर वो सारी फाउंडेशन को इकट्ठा करके एक बाउल के अंदर, सॉरी एक कंटेनर के अंदर निकाल के स्टोर कर लेती हूँ, ताकि वो मेरे बाद में काम आ जाए। तो ये वही वाली फाउंडेशन है जो कि मैंने प्राइमर के कंटेनर में निकाल रखी हुई थी, और वो मेरे मॉडल की स्किन के साथ शेड मैच हो गया था। तो मैंने सोचा आज हम इसी को अप्लाई करेंगे, और मैंने इसको अच्छे से अप्लाई किया, अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग के लिए मैंने कम से कम 8 मिनट जो है ना, वो इन्वेस्ट किए हैं। तभी आप देख सकते हो कि हमारी जो फाउंडेशन है वो कितनी ग्लासी और कितनी सॉफ्ट जो है ना, वो बनी है। फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब बारी आती है कंसीलर की। तो यहाँ पर मेरे पास बिग कवर का कंसीलर है 1 नंबर शेड। आप इसका डार्क शेड भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हाइलाइटर पार्ट्स को प्रोमिनेंट दिखाना है बहुत ज्यादा, देन आपको लाइटर शेड यूज करना पड़ेगा कंसीलर का। तो इसको मैं पहले छोटे साइज वाले ब्रश के साथ प्रॉपर अपने फेस के हाइलाइटर पार्ट्स पे अप्लाई करूंगी, छोटे साइज वाले ब्रश के साथ, जो बहुत बड़ा ना हो, ताकि आप इजीली अप्लाई कर सको। और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे इन्हीं एरियाज में रहते हुए, मतलब आपको पूरे फेस के ऊपर कंसीलर को स्प्रेड नहीं करना। अच्छा, मेरा गला खराब हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही है बोलने में, सांस भी मेरा बार बार फूल रहा है। तो काफी दिन हो गए थे मैंने कोई डिटेल्ड वीडियो पोस्ट नहीं किया था, तो बहुत ज्यादा जरूरी था, तो दैट्स व्हाई मैं जैसे तैसे करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अगर कहीं पे कुछ बोलने में या आपको समझने में मुश्किल हो रही है, तो काइंडली जो है ना, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि जल्दी से मेरा गला ठीक हो जाए। अभी यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ गले पर, नेक पर मैंने जो है ना डर्मा बेस का 107 नंबर अप्लाई किया है फेयर शेड, ताकि नेक की बेस को भी हम लोग जो है ना, वो फेस की टोन के साथ मिला सके। अभी जी बेस को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ क्रायलॉन का ट्रांसल्यूशन पाउडर TL11 शेड है ये। इसको हम प्रॉपरली पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा पाउडर नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा सा पाउडर लेना है, और जब पूरा पाउडर आपके स्पंज से खाली हो जाएगा, फिर आपने और पाउडर लेना है और उसको फेस पर, नेक पर प्रॉपरली अप्लाई करना है। बाकी जो एक्स्ट्रा पाउडर फेस पर है ना, उसको हम बाद में डस्ट आउट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का कॉन्टोर पैलेट। इसके अंदर 4 कलर्स हैं, 2 डार्क हैं, 2 लाइट हैं, तो आप इजीली इसके साथ आई मेकअप भी कर सकते हो, आप इजीली इसके साथ फेस कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका शेड बहुत अच्छा है, आप इसके साथ किसी भी फेस को इजीली कंटोर कर पाओगे, चाहे आप चबी फेस को कर रहे हो, चाहे आप छोटे फेस को कर रहे हो। नोज को कंटोर करने के लिए अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप बड़े ब्रश के साथ ही कंटोरिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपने छोटा ब्रश यूज़ करना है। उसके बाद ही मैं यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, क्रिस्टीन का ही ब्लश पैलेट है। इसके अंदर 4 बहुत ही प्रिटी प्रिटी से ब्लशन के कलर्स हैं, तो आप इनको मिक्स करके भी और अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो एज अ ब्लश। उसके बाद बारी आती है जी हमारा आईब्रो को डिफाइन करने की। सो यहाँ पर मेरा हमेशा से फेवरेट मसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट है, जिसके साथ आप बहुत अच्छे से आईब्रो की शेप को डिफाइन कर सकते हो। लॉन्ग लास्टिंग है और डस्ट आउट नहीं होता, फॉल आउट नहीं होता, तो बहुत अच्छे से आपके आईब्रो की शेप डिफाइन हो जाती है। दोनों साइड्स की आईब्रो की शेप डिफाइन करने के बाद हम इसको स्पूली के साथ बहुत अच्छे से नीट कर लेंगे। अभी जी आई मेकअप करने के लिए मैं यहाँ पर मिस रोज का आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। उसके अंदर टोटल 18 कलर्स हैं, जिसमें से 6 कलर्स ग्लिटर्स के हैं, 6 वेलवेट शेड्स हैं और 6 पाउडर कलर्स हैं। मतलब आप कॉन्टोरिंग भी और
आईलिड्स भी और सारा कुछ जो है ना वो एक ही आई शेडो पैलेट के अंदर से फिल कर सकते हो। सो पहले मैंने इसके अंदर से एक लाइट ब्राउन कलर लिया, उसके साथ आइज की कॉन्टोरिंग की। उसके बाद मैंने जो है ना अपनी क्रीज लाइन को डेप्थ देने के लिए, प्रोमिनेंट दिखाने के लिए डार्केस्ट ब्राउन कलर लिया सेम आई शेडो पैलेट में से, और इसके साथ मैं बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रशेज में ब्यूटी फाइबर आमना का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मिस रोज की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स के लिंक मेंशन किए हैं। इसके अलावा मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक भी मेंशन किया है। अगर आप जो है ना इनके वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइजेस पे लगे हुए हैं, लेकिन मेरा कोड आसमा 5 यूज़ करने के बाद आपको मिस रोज की प्रोडक्ट्स पे और ज़्यादा मेगा डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब 5% मजीद डिस्काउंट। तो इसको लाजमी जो है ना वो ऑर्डर कीजिएगा। काफ़ी सारे मिस रोज की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, यहाँ पर कैंडी लैब का सिल्वर कलर है वेलवेट शेड, जो कि मैं अपनी आईलेट्स को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आसमा खान वेलवेट शेड्स में भी आपको बहुत सारे वेलवेट के कलर्स और सेम सिल्वर कलर भी मिल जाएगा। इसके अलावा जी यहाँ पर मैंने वही आई शेडो पैलेट जिसके साथ आइस की कंटूरिंग की थी उसी में से सिल्वर कलर लिया है, सिल्वर ग्लिटर लिया है, और उसको मैंने आईलिड्स पे अप्लाई कर दिया। ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ था, तो आपको कोई सीलर या ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पर आईलाइनर के लिए मैं काशिज का लिक्विड वाटरप्रूफ आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जिसके साथ हम प्रॉपरली विंग लुक में लाइनर जो है ना वो अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि विंग लाइनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे रहता है ऑल टाइम। दूसरा, विंग लाइनर जो है ना उसको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरे हाथ पे विंग लाइनर इतना अच्छे से सेट हो गया हुआ है बिकॉज मैं लगाती रहती हूँ डेली रूटीन में, प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो गया तो मुझे मुश्किल नहीं होती। तो आप लोग भी डेली रूटीन में लाजमी लाइनर जो है ना वो लगाया करें। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने आइज के अंदर वाइट जेल लाइनर अप्लाई किया है। अब बारी आती है जी मस्कारा की। तो जी ये मेरा ये क्यूट सा आजकल मेरा ये फेवरेट मस्कारा है, मिस रोज़ का लेटेस्ट मस्कारा है। ये भी आपको मिस रोज़ की वेबसाइट से मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इसके साथ हम प्रॉपरली अपनी आईलैशेस को बहुत अच्छे से वॉल्यूम देंगे। अच्छा गाइज, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो ना, वर्क फ्रॉम होम, जिसके लिए आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े, स्पेशली लेडीज़ के लिए आपको पता है बहुत मुश्किल होता है घर से बाहर निकल के काम करना। सो गाइज, पावर ईगल के नाम से कंपनी है जो कि आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मेंशन किया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपने प्रॉपरली फिल करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद कुछ दिन आप वेट करेंगे, एक दो दिन तक उनकी अपनी कंपनी, उनकी एडमिन है महनूर, वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगी, आपको प्रॉपरली गाइड करेंगी कि आपने किस तरह से इस काम को करना है। एंड देन अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो ऑब्वियसली आप उस काम को ज्वाइन कर सकते हो और घर बैठे जो है ना वो मंथली अच्छी खासी अर्निंग जो है ना वो कर सकते हो। सो लाजमी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइएगा। अभी जी यहाँ पर हाइलाइटर के लिए मैं गैबरिनी का हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर 3 कलर्स हैं, एक प्योर वाइट कलर है, एक थोड़ा डल गोल्ड है, एक उससे ज़्यादा थोड़ा डल है। तो आपको जो भी सूटेबल है, मैं ये सेंटर वाला शेड मोस्टली यूज़ करती हूँ बिकॉज ये एक डल गोल्ड सा शेड है, तो ये आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लोई लुक देता है। आपकी जो ग्लो है ना आपकी स्किन का, वो अवर नहीं लगता, वो फेक नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ पर जी रह गई है हमारी लिपस्टिक। तो यहाँ पर मेरे पास अमेरिका लिप ग्लोज है 13 नंबर, इसके साथ मेरे पास जो है ना एक लिप पेंसिल है गैबरिनी की। अच्छा, गैबरिनी की लिप पेंसिल्स जो है ना वो मेरी फेवरेट हैं बिकॉज ये बाकी पेंसिल्स की तरह नहीं है, ये बिल्कुल क्रेयॉन है, मेल्टी सी हैं ये, तो इजीली अप्लाई हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर मैपिंग करके प्रॉपरली लिप की शेप जो है ना वो कुछ डिफाइन कर लिया, कुछ डिफाइन कर रही हूँ। आप भी सेम टेक्निक को फॉलो करके एक प्रॉपर लिप की शेप जो है ना वो बना सकते हो। अच्छे से लिप की शेप को डिफाइन करने के बाद हमें जो है ना वो हल्की सी लिप बाम लगानी है, ताकि ऑब्वियसली आप लोग मैट लिप ग्लॉस लगा रहे हो तो वो आपकी लिप पे जमा हुआ ना लगे, तो आप हल्का सा इसको जो है ना वो ग्लॉसी कर दोगे। बहुत ज़्यादा नहीं लिप बाम लगानी, वरना आपका जो लिप ग्लॉस है वो ऊपर पड़ा हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली वो फैलेगा भी, खराबी होगा। यहाँ पर जी मैं वही लिप ग्लॉस जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में दिखाया था। अच्छा, एमिली के लिप ग्लॉस आपको अलग अलग शेड्स नहीं मिलते, इसमें आपको प्रॉपर पैक परचेज करना पड़ता है। मैंने स्क्रीन पर नंबर मेंशन कर दिया है, हर प्रोडक्ट की डिटेल, हर प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, मेरी अपनी वेबसाइट, मेरे अपने व्हाट्सअप नंबर्स हैं, तो हर चीज़ आपको ऑथेंटिक मिलेगी। और जी कंप्लीट लुक आप लोगों के सामने है, आपको मेकअप कैसा लगा, आपको लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन्होंने लूज़ कर्ल सेटिंग कराई थी, उसका भी लुक मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट पर थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और मेकअप में मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, बिल्कुल सॉफ्ट सा लुक है। और आजकल आपको पता है यही सॉफ्ट ब्लेंडेड लुक जो है ना वो ट्रेंडिंग पे है। आपने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को, बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स को देखा होगा जो ये सॉफ्ट ब्लेंडेड लुक है ना ये आजकल ट्रेंडिंग पे है। तो मैंने सोचा कि मुझे इसको आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहिए। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टा या टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया, जट से फॉलो कर लें, आसमा खान ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है। एंड अगेन आप लोगों को अगर नहीं पता तो बता दो कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे पूरे हो गए, और आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड केक कटिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।